तब कहा था मैं आऊंगा ना। आज हम उसी पल को फिर से याद करते हैं। आज 2 साल का है टाइम्स नाउ नव भारत, फिर हम आपके शहर लखनऊ में हैं और फिर नव भारत नव निर्माण मंच आपका स्वागत करते हैं और तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं कि एक इतिहास की कड़ी में हमने भी आपके साथ महसूस किया कि किस तरह से जनता का आशीर्वाद राजनीति में किसी को मिलता है और आपके आपके मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में लगभग 7-7.5 साल के बाद जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश को दिशा दिखाई है और उत्तर प्रदेश को आप आगे लेकर गए हैं वो सराहनीय है और देश और उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से आपकी पॉपुलैरिटी की कायल है वो शायद आज देश भर में और दुनिया भर में पूरी तरह से सब लोग जान गए हैं। योगी जी, बहुत ज्यादा कुछ ना कहकर मैं ये कहूंगी कि इस बार भी हम जब आए हैं तो माहौल सर्दी में ही कुछ गर्मी का हो गया है और कल की जो आपकी बैटिंग रही है उसमें बॉल ऐसा स्टेडियम के बाहर गया है कि अब तक किसी को बॉल नहीं मिल पाया है। तो ये जो बॉल बाहर गया है, क्रिकेट के खेल के जो आपने नियम ही बदल दिए हैं, स्टेडियम पिच सब कुछ बदल दिया है, क्योंकि ये नव भारत है, हर चीज नई है, तो बस आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में अब अगले 2 महीनों में क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपकी पार्टी का नारा है, प्रधानमंत्री का नारा है 400 पार, और उधर आज सुबह अखिलेश यादव जी कहकर गए हैं कि 400 पर हार। कौन जीतेगा कौन हारेगा, हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है। चाहेंगे इससे पहले कि आप कुछ कहें, पहले आपको हम स्वागत कर सकें और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी एमके आनंद, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ टाइम्स नेटवर्क के, कि आपका स्वागत करें और एक शॉल प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद एमके आनंद जी, स्वागत हो चुका है तो आपके और दर्शकों के बीच में मैं नहीं आना चाहूंगी, आपको आमंत्रित करूंगी, आप चाहे वहां से, क्योंकि हम हर हाल के लिए तैयार होते हैं। कलम होती थी पहले पत्रकारों के हाथों में, आजकल माइक है, माइक भी है, कैमरा भी है, बस आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डायरेक्ट संपर्क और संवाद करेंगे टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों के साथ और यहाँ इस हॉल में उपस्थित हमारे सारे अतिथियों से। योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री।